The universe begins to look more like a great thought than like a great machine. James Jeans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Reconstruction of religious thoughts in Islam mein Dr. Lama Muhammad Iqbal kehte hain ki ye kainat kya hai aur ye kis tarah badh rahi hai. Main kaun hoon? Mera aur kainat ka baahmi rishta kaisa hai? Ye sawal char mazameen ke liye bahut aam hai. Sabse pehla mabat tabiat, dusra falsafa, teesra shayari aur chautha deen. और अक्सर तो ऐसे लगता है कि दीन की सच जानने की लगन सबसे ज़्यादा है. मैं हूँ खुर्रम अलाई और हमने इसी हवाले से एक गुफ्तगू का आगाज़ किया है जिसका नाम है नुक्ता. इस गुफ्तगू में हम इंसान और इंसान से जुड़े मुख्तलिफ मौजूआत पर बहस करेंगे और देखेंगे कि बेयक वक्त इंसान की ज़िंदगी के ऊपर साइंसेस का और मज़ाहिब का क्या कहना है. इस गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक होंगे डॉक्टर मोहम्मद नजीब खान. वेलकम डॉक्टर साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम खुर्रम. जॉन का बहुत मशहूर शेर है कि समझ में ज़िंदगी आए कहाँ से, पड़ी है यह इबारत दरमियाँ से. हेडगर भी कुछ ऐसे ही कहते हैं कि कायनात में एक थ्रोनस की फीलिंग है, ना मुझे शुरुआत का पता है ना अख्ताम का, आई एम जस्ट थ्रोन टू द सिचुएशन और ज़िंदगी जीनी पड़ जाती है. तो कायनात क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी इब्तदा कैसे हुई? खुर्रम, कायनात एक जामे इस्तलाह है जो अपने अंदर कसीर मौनी रखती है. दुनिया की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ इसका हिस्सा है. तारे सितारे, कहकशाएँ, आसमान, ज़मीन, समुंदर, पहाड़, इसके अदना से अज्जा हैं. इसमें दो ही मैं समझता हूँ चीज़ों को एक्सेप्शन है जो कायनात के बाहर हैं. एक ज़ाते बारी ताला जो इंसान की और कायनात की खालिक है, और दूसरा इंसानी तमन्ना. जैसे मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इमकान को एक नक्शे पा पाया. बहुत खूब. गोया वो चीज़ जो मौजूद तारीख में थी या है या होगी, वो सारी की सारी कायनात का एक मामूली सा हिस्सा है. इंग्लिश में हम कायनात को कॉस्मोस और स्पेस और हेवन के नामों से याद करते हैं, जबकि उर्दू में हम इसे जहां और दुनिया कहते हैं. तू कादरो आदल है मगर तेरे जहां में हैं तलख बहुत बंदाए मजदूर के औकात. और दुनिया का लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है. वलकद ज़य्यन अस्समा अद्दुनिया बेमस्साबिहा, कि हमने आसमान के निचले वाले आसमान को आपके लिए चिरागों के साथ खूबसूरत बना दिया है. अरबी ज़बान में अर्दो समावात भी कहा जाता है कायनात को, और अनफसो आफाक भी कहा जाता है. और आलम का लफ्ज़ तो बहुत मशहूर है, आलमा से निकला हुआ है. आलमा का मतलब होता है आपका वो इलम जो हकीकत पे और इदराक पे और ठोस हकीकत पे मबनी होता है. और ये शारा और आराफा से, जिससे शायर और आरिफ बनते हैं, ये मुख्तलफ है. आलम गबारे वाश्ते मजनू है सरबसर, कब तक ख्याल तुर्रा व लैला करे कोई. शारा जो लफ्ज़ है ये शऊर के साथ और शायर के मुतलका है. और आपने जहाँ तक खुर्रम पूछा है, दो थ्योरीज जो कि स्टडी स्टेट थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी, ये इस दौर की दो मशहूर थ्योरीज हैं. स्टडी स्टेट थ्योरी के मुताबिक यह है कि कायनात जो थी ये हमेशा से थी, हमेशा रहेगी और कभी ख़त्म नहीं होगी. और इसकी दो बड़ी खूबियाँ अहम हैं. एक खूबी तो ये है कि ये होमोजीनस है, और दूसरी खूबी इसकी ये है कि ये आइसोट्रॉपिक है. होमोजीनस मीन्स कि ये स्मूथ है, और आइसोट्रॉपिक मीन कि इसको जिधर से भी देखें आपको एक ही तरह की नज़र आती है. स्टडी स्टेट में कायनात कभी पैदा नहीं हुई. बिग बैंग की थ्योरी ये कहती है कि कायनात नुक्ताए वाहदा से ये पैदा हुई है. नुक्ताए वाहदा को अंग्रेज़ी में पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहते हैं. पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी या नुक्ता वाहदा वो पॉइंट्स होते हैं कि जब ये बहुत बड़े बड़े स्टार्स और कहकशाएँ बड़ी सॉलिड फॉर्म, बड़ी ठोस फॉर्म में आ जाते हैं, तो उनको ब्लैक होल कहते हैं. ब्लैक होल के अंदर भी जो इंतहाई ठोस चीज़ होती है उसको हम नुक्ता वाहदा कहते हैं, जो कि पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी.
बगैर किसी रीज़न के, जिसका इंसान को कोई इल्म नहीं है, यकदम इस कायनात ने, इस नुक्ते ने फैलना शुरू कर दिया। और अब जो हम इस मकाम पे पहुंचे हुए हैं कि कायनात किसी दौर में एक नुक्ता के अंदर थी, और आजकल ये कायनात इतनी खूबसूरत है कि आप इस पे देखें, इसमें कितने खूबसूरत तारे हैं, सितारे हैं, कहकशाएँ हैं, कम नहीं जलवा गरी में तेरे कूचे से बहिश्त, यही नक्शा है, भले इस कदर आबाद नहीं। डॉक्टर साहब, कायनात की आज भी बड़ी तरीन आबादी मज़ाहिब से गाइडेंस लेती है, हम मुसलमान कुरान से गाइडेंस हासिल करते हैं, तो क्या कुरान के मुताबिक और बिग बैंग की थ्योरी के मुताबिक कोई इख्तलाफ पाया जाता है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कुरान हकीम 1383 साल पहले कुरान हकीम का नज़ूल हुआ है, जबकि आपकी जो फिज़िक्स है, इसकी जो डिस्कवरीज़ हैं, ये हार्डली 100 साल पहले की हैं, जिसमें आपको बहुत वाज़ किस्म की हकीकतें जिनको वेरीफाई किया जा सकता है, देखी जा सकती हैं। इवन अभी तक तो कोई ऐसा इदराक या शऊर नहीं है कि ये साबित कर सके कि कायनात जब बनी थी और हम वहाँ मौजूद थे। ये जितनी भी थ्योरीज़ हैं आपकी, ये सारी आपकी कॉस्मोलॉजी की थ्योरीज़ हैं और आपकी आपके थॉट्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, आपकी फ़िलासफ़ीज़ हैं। तो कुरान हकीम में सूरा अंबिया की आयत है, अवलम युरल्लज़ीना काफ़रू अन्नस्समा वाते वल अर्दा कानता रतकन फफा तकना हुमा वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हय्यन अफला युमिनून, के क्या ये कुफार जो हैं ये गौर नहीं करते कि आसमान और ज़मीन जो है कि किसी दौर में एक एंटिटी थी, एक कैनोपी थी, इस तरह बंद थी, और हमने उसके एक झटके के साथ इसको इन्फ्लेट किया है, खुला है, और हमने ज़िंदगी को पानी से पैदा किया है, और फिर भी ये उस पर अमान नहीं लाते। और आजकल आपकी साइंस क्या कहती है कि वाटर इज़ लाइफ। इसी तरह कुरान हकीम में है कि सुमस्तवा इलस्समाए वाहिया दुखान, अल्लाह ताला ने फिर आसमान की तरफ अपनी तवज्जो फरमाई तो देखा कि वो धुआं है, और इस धुएँ से, धुएँ को अल्लाह ताला ने कहा कि ज़मीन और आसमान को कहा कि आप मार्ज़ वजूद में आ जाओ, बिकॉज आपने हमें ओबे करना है। कुरान हकीम फरमाता है, वाहु वल्लज़ी खलक लैला वन नहारा वश्शम्सा वल क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और कुरान हकीम फरमाता है, रब्बस समावात वल अर्द वमा बैनहुमा व रब्बुल मुशारिक, कि अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है जिसने के दिन और रात पैदा किए हैं और चांद और सितारे बनाए हैं, यानी सूरज और चांद बनाया है, और सारे अपने अपने मदारों में तैर रहे हैं। आज की जो साइंस है वो इसे इंटरस्टेलर स्पेसेस कहती है, जिसको आप कहकशाएं कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं। मैं समझता हूं कि जो कायनात है, इसका जो वजूद में आना है, इसको, इसकी जो कुरान हकीम की जो आयात हैं, उसको साइंस वेरीफाई करती है, उसको फिजिक्स वेरीफाई करती है, इट्स नॉट द अदरवाइज। कायनात जो है वो जितनी पहले ऑर्डर में थी, आजकल ये पोजीशन नहीं है। पहले 3 मिनटों के अंदर कायनात के अंदर क्या बुनियादी तब्दीलियां आई? इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो सब एटॉमिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स से एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे वो उसमें तब्दील हो गई। When you want something, the entire universe conspires in helping you to achieve it. डॉक्टर साहब, यूनान के बहुत मशहूर फलसफी ज़ेनो का कहना था कि कायनात कभी भी हिल ही नहीं सकती, क्योंकि हर लम्हे में कायनात साकित होती है। तो आज भी हमारे पास 2 थ्योरी, एक स्टेडी स्टेट थ्योरी और दूसरी बिग बैंग थ्योरी, तो इन दोनों थ्योरीज में से किस थ्योरी के पास बेहतर एविडेंस है या किस थ्योरी के पास बेहतर दलाइल है? देखिए खुरम, इसमें जो दोनों थ्योरीज हैं, एक में तो कायनात कभी बनी नहीं और कायनात हमेशा से मौजूद है और हमेशा रहेगी, जो स्टडी स्टेट थ्योरी की जो फ़िलासफ़ी है, और दूसरी जो थ्योरी है वो बिग बैंग की फ़िलासफ़ी है, और जो आजकल के दौर में ठीक फ़िलासफ़ी समझी जाती है। साइंसदान जो सोचते हैं उसके बाद उसको वेरीफाई करते हैं अपनी मुख्तलिफ एविडेंसेस के साथ। आपकी सोशल साइंसेस में और फिज़िक्स में या आपकी हार्डकोर साइंसेस में यही फ़र्क है। बिग बैंग की थ्योरी का ठीक होना, उसकी ठीक होने की जो एविडेंसेस हैं वो ये पेश की जाती हैं कि एक तो कायनात फैल रही है,
इसका क्या सबूत है? इसका सबूत यह है कि जो आपकी जहर की जो आंख है, जो आपका जहर की जो कायनात है जो आपको नजर आती है, इसको आज से साइंसदान जो पहले देखते थे और जब से हबल माइक्रोस्कोप आई है, बड़ा फर्क है। क्योंकि अभी हबल माइक्रोस्कोप से वो देखते हैं कि वो गैलेक्सीज जो कि आपकी आंख की जद में थी टेलीस्कोप के जरिए, वो बड़ी दूर जाती जा रही है। एक तो ये सबसे बड़ी है, इसका मतलब ये हुआ कायनात जो फैल रही है, और सेकंड ये है कि अगर कायनात की बिग बैंग की थ्योरी थी, इसका मतलब है कि जमीन किसी दौर में इंतहाई इन्फिनिट हॉट थी, इन्फिनिट स्मॉल थी और इन्फिनिट हैवी थी। और ये तीन खूबियों की वजह से इसका मतलब ये हो गया कि जमीन का टेम्परेचर उस मौका पे बहुत ज्यादा होगा, इट मस्ट बी 100,000 million केल्विन। और अभी साइंसदानों की ये डिस्कवरी कहती है कि अभी कायनात का जो टेम्परेचर है वो 2.7 केल्विन है, जिससे ये साबित होता है कि अगर इसमें ये टेम्परेचर भी पाया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी दौर में कायनात वाकई बहुत बहुत गर्म होगी, जैसा कि बिग बैंग की थ्योरी कहती है। इसके अलावा एक और सबूत जो है बिग बैंग के ठीक होने का ये है कि आपके जो हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में पाए जाते हैं, जो कि बिग बैंग की थ्योरी के मुताबिक सबसे पहला होने वाले ये आइटम्स हैं। सबसे पहले गैसेस से और फोटोन से यही आइटम जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये बने थे। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसका मतलब ये है कि जो चीज़ जितनी पुरानी हो जाती है उसके अंदर डिसऑर्डर आ जाता है। जैसे बंदा इंसान भी बूढ़ा होता है, जानवर बूढ़े होते हैं, दरख्त बूढ़े होते हैं, तो उनके अंदर वो डिसिप्लिन जो पहली उम्र वाला होता है वो नहीं रहता। तो अब कायनात जो है वो जितनी पहले ऑर्डर में थी आजकल ये पोजिशन नहीं है। तो ये सारे प्रूफ्स हैं जो ये साबित करते हैं कि बिग बैंग की जो थ्योरी है दैट इज़ मोर क्रेडिबल देन दी थ्योरी ऑफ दी स्टडी स्टेट। स्टीवन विनबर्ग कहते हैं कि हमें अब मिथोलॉजी की ज़रूरत नहीं, हमें ख्याली किस्सों की कहानियों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, हम कायनात के ऊपर साइंसी निगाह दौड़ाकर बेहतर मानी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी, फर्स्ट 3 मिनट्स। उस किताब में वो क्या कहते हैं कि कायनात कैसे बनी और शुरू में पहले 3 मिनटों के अंदर कायनात के अंदर क्या बुनियादी तब्दीलियाँ आईं? देखिए खुर्रम, स्टीवन विनबर्ग ग्रेट मतलब फिजिसिस्ट हैं और उन्होंने बेसिकली अपने लेक्चर्स दिए थे हार्वर्ड में, और बाद में उनके दोस्तों ने यही लेक्चर जो थे इनको उन्होंने पब्लिश करा दिया और जो फर्स्ट 3 मिनट्स के नाम से मशहूर हैं। मैं बताता चलूं कि स्टीवन विनबर्ग जो हैं ये इनको डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ और इनको शेल्डन ग्लेशो के साथ नोबेल प्राइज़ मिला था, और उनका टाइटल उस वक्त ये था कि जो यूनिफिकेशन ऑफ वीक फोर्सेज है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंट्रैक्शन है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के दरमियान वो क्या था। तो स्टीवन की जो किताब है उसके 4-5 चैप्टर्स हैं बड़े फेमस, और उसमें स्टीवन ये बताते हैं कि सबसे पहले जो जब पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी था वो क्या था। इसके अलावा उस वक्त जो टेम्परेचर था कायनात का वो बहुत ज़्यादा था, और उस वक्त क्या नौबत थी, क्या को जो आपके पार्टिकल्स थे जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये तो वजूद इनका था ही नहीं, ये बल्कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की शक्ल थी इनकी। और फिर एक उनका चैप्टर है कि आपका उस वक्त जो कॉस्मिक सूप था, जो कंपोजिशन थी कायनात की, वो क्या थी, और फिर वो बताते हैं कि इसकी फेट क्या होगी कायनात की। तो बड़ी खूबसूरत बुक है, मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि ये किताब मस्ट पढ़नी चाहिए, पढ़ने वाली किताब है। और इसके दरमियान इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, यानी इसके माइलस्टोन हैं जो स्टीवन ने जिनको डिस्क्राइब किया है, यानी उन्होंने बताया है कि सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में फोटोन्स थे, एनर्जी थी, लाइट थी, इलेक्ट्रॉन थे, इवन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन ये मौजूद नहीं थे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। गोया कि ये सारी चीज़ें जो थी ये गैसेस फॉर्म में थी, और फिर बड़ी बड़ी गैसेस से कायनात जो है वो मार्ज वजूद में आई है, और फर्स्ट 3 मिनट्स में ज़मीन का जो टेम्परेचर था वो इतना गिर गया, यानी इतनी ये ठंडी हो गई कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो सब एटॉमिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स से एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे वो उसमें तब्दील हो गई। इसको वो कहते हैं सिमेट्री ब्रेकिंग पॉइंट, और ये वो पॉइंट था कि जहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन के एटम भी बने और साथ बड़ी गैसेस बनी और धुआं, जिसे कुरान हकीम दुखान के नाम से याद करता है, और जब ये गैसेस बनी तो इनके अंदर फिर एक अट्रैक्शन पैदा हुई, उस अट्रैक्शन ने पूरी गैलेक्सीज और स्टार्स बनाए, और ये स्टार्स बनने के बाद उनकी कक्षाएं बनी, कक्षाएं इकट्ठी हुई तो क्लस्टर्स बने, उससे सुपर क्लस्टर्स बने, और सुपर क्लस्टर्स के अंदर बहुत बड़े धमाके हुए जिससे कि एक्सप्लोजन्स हुए और
ज़मीन पे जो पार्टिकल्स हैं जैसे आयरन है और यूरेनियम है, प्रोटीनियम है, ये सारे पार्टिकल्स बने, तो सो द लाइफ गोज़। दैट्स वाई के कार्ल सेगल ने कहा था कि वी आर द स्टार स्टफ। हेराक्लाइटस वो कहता था कि दुनिया की हर चीज़ फायर से बनी है और हमेशा दुनिया में जो हमेशा जो चेंज आएगी उसकी बुनियादी वजह भी आग ही होगी। The universe seems neither benign nor hostile, merely indifferent. यूनान के दानाओं ग्रीक फिलोसफर्स के बगैर इब्तिदा की गुफ्तगू तो बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। विल डोरेंट भी कहते हैं कि जो पहले माहिर फलकियात थे वही ग्रीक बड़े फिलोसफर्स बने थे। ग्रीक थॉट बहुत रिच है, फिलोसफी में भी और साइंसेस में भी। ग्रीक अपने तौर पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, उसको कहते हैं आर्की। आर्की का मतलब होता है कि एक ऐसा मटीरियल जिससे कि चीज़ें सारी कायनात उससे बनी हो, दैट्स अ मदर मटीरियल। हेराक्लाइटस वो कहता था कि दुनिया की हर चीज़ फायर से बनी है, आग से बनी है, और हमेशा दुनिया में जो हमेशा जो चेंज आएगी उसकी बुनियादी वजह भी आग ही होगी। इसी तरह एम्पेडोक्लीज कहता था कि दुनिया में सबसे अहम जो है वो चार पार्टिकल्स हैं, एक आपकी ज़मीन है, दूसरा आपका पानी है, और आपकी हवा है और फायर है। जो आपकी हवा है उसने ज़मीन को घेरा हुआ है, और जो फायर है उसने हवा को घेरा हुआ है, और जो ईथर है उसने फायर को घेरा हुआ है। और प्लेटो का ये ख्याल था कि भी ये नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट्स होते हैं, और इसी तरह इंडियन और इब्राहिमी इवन ट्रेडिशन के जो फिलोसफर्स हैं, इमाम गज़ाली का इस पर भी बड़ा काम है, इंडियन फिलोसफर वशिष्ठ स्कूल के थे, उनका ये ख्याल था कि जो लाइट और हीट है ये एटम्स के हिस्से हैं, उनके पार्टिकल्स हैं। इसी तरह उनके एस्ट्रोनॉमी के मॉडल्स बड़े मशहूर थे, कॉन्सेप्ट्स बड़े फेमस थे। इवन इनसे भी पहले जो बाइबल की जो स्टेट थी ना, जो सल्तनत की, जिसको बेबीलोनियन एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है, वो तस्वर पाया जाता था। उनका ये ख्याल था कि पूरी कायनात इस तरह तैर रही है एक समुंदर के अंदर कि जिस तरह एक तश्तरी तैर रही होती है। इसी तरह एक ग्रीक फिलोसफर थे डी मंडो, उनका मॉडल बड़ा मशहूर है, और उनका भी ये ख्याल था कि हर छोटी चीज़ को, जितनी थोड़ी चीज़ है उसको बड़ी चीज़ ने घेरा हुआ है। पटोलमी इज़ ए बिग नेम, आपने सुना होगा, जो कि इजिप्शियन ग्रीक थे लेकिन इजिप्ट में रहते थे। उनकी मैथमेटिक्स बहुत मशहूर थी, उन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे फार्मूले और बड़े खूबसूरत किस्म की इंटरप्रटेशन दी हैं कायनात के बारे में। और ये समझा जाता था, इवन ग्रीक ये समझते थे, अरिस्टोटल उसका बहुत बड़ा चैम्पियन था, कि जो ज़मीन है वो साकन है और कायनात की सारी चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। लेकिन पहली दफ़ा एक ग्रीक फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे, अरिस्टार्कस, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ज़मीन बल्कि साकन नहीं है, बल्कि ज़मीन घूम रही है और सूरज साकन है, जिसको हम हेलीसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। ज़मीन साकन हो और कायनात घूम रही हो उसको हम जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। तो अरिस्टार्कस ने पहली दफ़ा ये कहा कि ज़मीन साकन नहीं है, सूरज साकन है और ज़मीन घूम रही है। इसी तरह कॉपरनिकस ने 16वीं सदी में आके खूबसूरत किस्म का काम किया, और इसके साथ उस वक्त इंडियन एस्ट्रोनॉमर भी थे, और मतलब आर्या भाटा एक बड़े मशहूर इंडियन फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे। इसी तरह एक तस्वर पाया जाता था कि भी अगर एक सवाल पैदा हुआ साइंसदानों में और फिलोसफर्स में कि अगर कायनात जो है वो होमोजीनस है, तो फिर जो स्टार्स हैं वो इस तरह फैले हुए हैं, तो ये हमारे नज़दीक इतनी लाइट होनी चाहिए कि हमें तो ऐसे ही गुमान होना चाहिए कि रात का तस्वर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हर वक्त ही दिन का तस्वर हो। लेकिन उसका फिर साइंसदानों ने उसकी इंटरप्रिटेशन दी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्टार सारे होमोजीनियसली फैले हुए हैं सारे के सारे, लेकिन ये अपने अपने ऑर्बिट्स में हैं और इन्होंने अपना वजन खुद उठाया हुआ है, लिहाजा जो कायनात है वो घूम रही है अपने अपने ऑर्बिट्स में, और हर जो स्टार और हर कहकशां और हर तारा और सितारा है वो उसके अंदर घूम रहा है।
जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि उसने आपको बयान किया है कि कायनात की डायनामिक्स क्या है, कायनात की जो टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट है, यह आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उससे आता है। और ये कायनात यह आपको बयान करती है कि टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है। टाइम ये नहीं है कि सुबह और शाम है, टाइम है क्या, ये कैसे पैदा हुआ। टाइम और स्पेस ये बिल्कुल मौजूद नहीं थे। जब कायनात मार्ज़े वजूद में आई है बिग बैंग के वक्त, तो टाइम और स्पेस वहाँ पे क्रिएट हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी हमें बताया कि कायनात बहुत बड़ी है, तो बड़ी चीज़ों के बारे में कह जाते हैं दाजनीश्त, उनके पास ख़त्म होने के भी बहुत बड़े मकासद मौजूद रहते हैं। न्यूटन ने भी कायनात के अख्ताम के हवाले से 2060 की डेट दी और प्रोफेसाइज किया कि कायनात 2060 में ख़त्म हो जाएगी। तो कायनात के मुकद्दर में फिज़िक्स क्या कहती है कि क्या लिखा है या कायनात कैसे ख़त्म होगी? देखिए, इसमें खुर्रम एक प्रिंसिपल है जो फिज़िक्स का समझने वाला, कि अगर एक होती है आपकी किसी भी चीज़ की ना क्रिटिकल क्वांटिटी होती है, यानी मिसाल के तौर पे अगर आपका पानी है तो आप पानी गर्म करते हैं तो एक दर्जे पे आके वो उबलना शुरू कर देता है, और एक स्टेज आप पानी को खुला छोड़ दें, अगर ज़्यादा सर्दी होगी तो वो जम जाएगा। वो जो पॉइंट होता है जिस पे पानी जो है वो उबलने की कोशिश करता है या ज़्यादा ठंडा हो तो सूखने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। हर चीज़ का कोई ना कोई क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पे वो अपनी शक्ल बदलती है आगे। कायनात जो है इसकी क्रिटिकल डेंसिटी है, उसको समझने की ज़रूरत है। अगर कायनात की क्रिटिकल डेंसिटी, वो जो ख़ास मखसूस किस्म का नुक्ता है और वो डेंसिटी का ख़ास नंबर है और स्टेज है, अगर वो कायनात की अपनी डेंसिटी क्रिटिकल डेंसिटी से कम होगी तो कायनात जो है वो फैलेगी, और अगर उसकी अपनी डेंसिटी जो है वो क्रिटिकल डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो कायनात कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी वो सिकुड़ेगी अपने आप को। और जब वो सिकुड़ेगी तो क्या नतीजा होगा कि टेम्परेचर आपकी कायनात का ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो जितने भी सितारे और तारे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रिवर्स टाइम में आना शुरू हो जाएंगे। वो प्रोसेस जो एक्सपेंशन का ग्रेजुअली ग्रेजुअली माइलस्टोन बने थे कि पहले सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स थे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बने, फिर आपका धुआं बना, गैसेस बनी, वहाँ से आपके हीलियम हाइड्रोजन बने, वहाँ से आपके स्टार बने, कहकशाएँ बनी, ज़मीन बनी, आसमान ज़मीन मार्ज़ वजूद में आए, बिल्कुल उसके बैकवर्ड बैक गियर पे चीज़ें वापस जाएंगी कॉन्ट्रैक्शन में, और नतीजा क्या होगा कि एक स्टेज आएगी कि जिसमें कायनात जो है वो टकराएगी और ये सिकुड़ जाएगी, और इसके सितारे तारे जैसे कुरान हकीम में भी जिक्र है कि तारे झड़ जाएंगे और अब जो रोशनी वाली चीज़ें अपनी लाइट खो देंगी, और नतीजा क्या होगा कि वो यौम क़यामा होगा जिसकी तरफ चीज़ें मूव करती हैं। तो साइंस जो फिज़िक्स है वो ये आपको ये बताती है कि ओवर द बिलियन ऑफ ईयर्स जब कंट्रैक्शंस होती है तो ये सिकुड़ जाएगी कायनात, और इसके ये इतनी ज़्यादा हॉट हो जाएगी कि फिर वही नुक्ता वाहिदा जिससे हम चले थे उसी उधर कायनात उस नुक्ते में जाना शुरू हो जाएगी। तो दैट सी पॉइंट के जहाँ पे जो है ना, यानी आप कह सकते हैं कि हमारे मजहबी तसव्वुर में जो यौम क़यामा का जो सीन होगा कि कायनात उस वक्त धर्म भर्म हो जाएगी, कुछ इसमें नहीं बचेगा। जहाँ तक आपने खुर्रम जिक्र किया है न्यूटन का, तो न्यूटन की पर्सनैलिटी एज ए साइंसदान तो सबके सामने है, लेकिन मज़े की बात यह है कि न्यूटन का बहुत खूबसूरत जो रोल है वो उनकी प्रडिक्शंस में भी है। आपको पता बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं कि जिन्होंने ये बताया है, एस्कटोलॉजी आपकी वो स्टडी होती है जिसमें कि आप जो एंड ऑफ यूनिवर्स है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कायनात का मकद्दर क्या होगा, और मकद्दर पे आपको बेशुमार फिल्में बनी हैं, आर्मागेडन, डीप इम्पैक्ट और 2012 बड़ी मशहूर हैं, जो कि आपको तारीख की अंजाम बताने की कोशिश करती हैं और लोगों ने देखा है। अच्छा, 1936 में ये हुआ कि न्यूटन के बहुत सारे ऐसे पेपर थे जो ऑन सेल्स आ गए, और उसमें उन्होंने ये देखा कि न्यूटन ने बहुत ही मिस्टिकल किस्म के जो बिलीफ्स हैं उनको उसने डीकोड किया हुआ है। उसने ये यानी बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो कायनात के राज हैं उनको जाना जा सकता है। और न्यूटन केमिस्ट भी था और उसको बहुत बड़ा होल्ड था केमिस्ट्री पर भी, और वो मेटल्स को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए 4 साल उसने कोशिश की। इसके अलावा उसका मजहबी रुझान भी था न्यूटन का, और उसने देखा कि जो हज़रत सुलेमान का जो टेंपल है ये दुनिया का ओल्डेस्ट टेंपल है, और उसने बल्कि ये कोशिश की कि एक न्यूमेरिकल फिगर है, अगर वो उसको ढूंढ लिया जाए तो आपको यूनिवर्स के डिवाइन नेचर के बहुत सारे जो राज हैं उनका इंकशाफ हो सकता है। बल्कि न्यूटन ने यहाँ तक कहा कि यानी उस वक्त जब न्यूटन ने प्रेडिक्शन की, उस वक्त तकरीबन ये 800 AD की बात है, और उसने कहा कि जब रोमन एम्पायर ख़त्म होगी
और उसकी उसने आज कहा कि जब उसने प्रेडिक्शन की रोमन ने, उस वक्त उसने कहा कि 1260 साल बाद जो कायनात है वो धर्म भरम हो जाएगी और इसके अंदर एक क्यामत का सीन होगा, और वो जो प्रेडिक्शन बनती है वो तकरीबन को 2060 में बनती है, 2060 में। कुरान मजीद इस कॉम्प्लेक्स फिनोमेना जिसको हम वक्त कहते हैं, इसके ऊपर हमें क्या रहनुमाई देता है? एक कुरान हकीम ने हमें ये कहा है कि आप जमाने पे होते हैं। तो फिजिक्स कायनात के अख्तिताम पे क्या कहती है? या तो कायनात हमेशा हमेशा फैलती जाएगी, जी। सामिन और नाजरीन, ये थी नुक्ता की आज की गुफ्तगू जिसमें हमने बात की कायनात की इब्तिदा के ऊपर। कहते हैं कि दो बातें इंसानी जहन को बहुत वुसअत देती हैं, एक शायरी और दूसरा सितारों को देखना। वैसे भी देर इज़ टू मच ऑफ यूनिवर्स एंड वेरी लिटिल टाइम, और वैसे भी हम आधे इंसान और आधे पूरे के पूरी कायनात। अगली किस्त में हम बात करेंगे और सफ़र करेंगे कायनात का डॉक्टर मोहम्मद नजीब खान के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फॉलो करें हमें फेसबुक पे www.facebook.com/ptvnukta। अल्लाह हाफिज़।